हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यून टू फूड। आज हम पनवेल से कामोठे जा रहे हैं मेरी मॉम के पास में। आज मैंने उनसे कहा है पराठे बनाने को। अब देखते हैं उनके पास मेरे लिए क्या सरप्राइज़ है। मुझे सुबह सुबह दी का फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ, आज तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं बाइक से ये देखने कि मेरे लिए सरप्राइज़ क्या है। मौसम बहुत अच्छा है, रोड भी खाली ही है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। हम कामोठे पहुंच भी गए हैं। ये उनकी बिल्डिंग है, अब हम बिल्डिंग में जा रहे हैं। हम बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं और ये हमारी पार्किंग है, और जल्दी से हम ऊपर जाके किचन में चले जाएंगे। तो हमने पराठे बनाने के लिए लिया है आटा, और उसमें हम डाल रहे हैं मैश्ड पोटैटो। हम बना रहे हैं मेथी के पराठे, वो भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। अब हम इसमें डाल रहे हैं दही, और ये है घी। आटा मेरी सिस्टर नीट कर रही हैं, और उसकी हेल्प कर रही है मेरी मॉम और मेरा नेफ्यू। हमने अब मेथी डाले हैं, मेथी को अच्छे से धुल के और उसको कट कर लिया है, और नमक के साथ इसको अच्छे से नीट करना है हल्दी डाल के। तो अब हमें इसे अच्छे से नीट करना है, क्यों? हाँ बिल्कुल, पहले मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद थोड़े पानी के साथ इसको नीट कर लेंगे, फाइन डो इसका तैयार कर लेंगे पराठे के लिए। मुझे लेकिन, मैं जब पराठा बनाती हूँ तो मैं उसमें अजवाइन और वो कलौंजी भी डालती हूँ, तुमने नहीं डाला? डिफरेंट स्टाइल है ना, हर थोड़ा थोड़ा हमेशा हर चेंज करना चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। इसमें हमने मैश्ड पोटैटो लिया है, दही है, नमक है, और इसमें पानी हमें थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना जो कि इसको मॉइस्चर दे देंगी। पानी ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत गीला हो जाएगा आटा, फिर पराठा तैयार नहीं होगा हमारा। ओके ओके, अगर हम इसमें चाहें कि हमें मंगरेल और अजवाइन डालना है तो क्या हम डाल सकते हैं? टेस्ट में फिर फर्क आ जाएगा, उसके लिए फिर दूसरी बार भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा भी है, तुमको खाने का मन है, तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे ऐसे नीट कर लेंगे, और इसके बाद तुमने ऑयल की ग्रीसिंग भी करी है? नहीं, हमने घी पहले ही डाल लिया था ना इसमें, तो ग्रीसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। तो अब हमने अपने पेड़ों में सूखे आटे को लगा लिया है ना? हाँ, उसी के वजह से वो चिपकेंगे नहीं इधर उधर, प्रॉपर गोल भी हो पाएंगे। नहीं, गोल नहीं हो पाते हैं मुझसे यार। तुमसे नहीं होते हैं ना, तुम ट्राई भी तो नहीं करती हो, चाहती भी नहीं हो करना। अब मुझे रोटी और पराठे बनाने नहीं पसंद है। सीखो। इसमें हमको घी की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली पराठे में घी लगाया जाता है बीच बीच में, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, केवल सूखे आटे के सहारे से हम इसको पराठा गोल तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसको ट्रायंगल नहीं बनाना है? कई पराठे तो ट्रायंगल भी होते हैं। वो तो नॉर्मल पराठा जो बनाते हैं वो ट्रायंगल अपने ऊपर है, शेफ्स मैटर नहीं करता है, गोल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं। मैंने अपने मोमोज वाले वीडियो में बोला था कि शेप डजंट मैटर। मेरे मोमो के वीडियो देखे थे? हाँ, बहुत अच्छा था। इसको हम देसी घी से सेक रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने हम चाहे तो ऑयल भी ले, हाँ ऑयल, रिफाइंड ऑयल जिसको जो अच्छा लगे, लेकिन हमारे यहाँ मेन हम लोगों को देसी घी से खाना पराठा ज़्यादा पसंद है, स्वाद बढ़ जाता है। हाँ, उसका और दूसरा रीज़न भी है, घी लगाने से पराठे जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि रिफाइंड से जो पराठे हैं वो जब ठंडे होने के बाद या थोड़े आप
थोड़े टाइम के बाद खाओगे लाइक 3-4 घंटे बाद, तो वो थोड़े से अजीब ही हो जाते हैं, वो थोड़े सूखे सूखे से लगते हैं। हाँ, स्वाद भी उनका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, और वो थोड़ा ड्राई भी हो जाते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन घी से उसमें मॉइस्चर बना होता है, वो ऐसे ही सॉफ्ट होते हैं और वो मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। हाँ। अच्छा लगता है, देसी घी का अपना अलग टेस्ट है। मम्मी ने यहाँ पे स्पैचुला यूज़ नहीं किया, उन्होंने वो चिमटा यूज़ किया है। आप भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम बनाते हैं पराठा तो जब हम स्पैचुला यूज़ करते हैं तो, और वो पलटने में ना वो घी अपने ऊपर आ जाता है, चिमटे से पकड़ के करने में ना वो थोड़ी सेफ्टी रहती है, सेफ्टी बनी रहती है। अदरवाइज आप हेलमेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया, ये हाथ वाला स्टंट ट्राई नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस हो ना, बहुत ज़्यादा जो यूज़ टू हो चुका है उसके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। हमें केवल चिमटे का ही यूज़ करना है। एक्सपर्ट की निगरानी में ज़रूर करें। और ये हमें गोल गोल कल बेल लेना है। आपके पराठे नहीं गोल बनते हैं कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेस्ट डेफिनेटली बहुत बेटर है, क्योंकि हमने जो चीज़ें डाली हैं ना इसमें, वो टेस्ट आएगा ही उसका। वो आलू और ये इसको बहुत सॉफ्ट रखता है। आप ये पराठा दूसरे दिन भी खाओ ना तो आप वो फिर भी सॉफ्ट ही रहेगा, वो उसका टेस्ट वैसा ही रहता है। ये मेरा बेटा, ये मेरा नेफ्यू भी वीडियो बना रहा है, यहाँ हमारे पराठे बन के तैयार हैं। अब आप इसको रायते के साथ में और बटर अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी भी साथ भी सर्व कर, मिट्टी वो मिर्ची होती है ना उसको ऐसे फ्राई करके उस पर नमक वमक डाल वो के, जो वड़ा पाव के साथ मिलती है। हाँ, वो भी उसमें ऐसे थोड़ा अमचूर पाउडर वगैरह डाल के बहुत टेस्टी लगेगी इस पराठे के साथ। हाँ, तो ये पराठा हमारा गर्मा गर्म रेडी है और बिल्कुल रहा नहीं जा रहा कि हम जल्दी से खा लें। मेरा तो ये हो रहा था कि वीडियो बन जाए या जल्दी वीडियो बने, मैं कैसे खाऊं। बहुत टेस्टी है खाने में भी, तो आप जल्दी जल्दी इसे घर पे ट्राई करें। और मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टे विद अस इन ट्यून टू फूड। और हमें कमेंट में ये भी लिख के बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी आप पसंद करते हैं, हम ज़रूर ट्राई करेंगे उसको बनाने के लिए। प्लीज़ शेयर विद अस। तो बाय बाय। Bye-bye.